Okay, so in last lecture we have computed all the theorems of that sum. So now today we started the examples of that sum. Example शुरू करेंगे. Example में पहले जो simple sum करें जो तुम easily कर सकते. पहले वो questions जो तुमको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. इसमें first question of that sum is very simple. पहला question करेंगे हमसे. So today we started exercise 5.1. Okay. So उसमें पहला है. First question is nothing but the vector a bar. The vector a bar is directed due north. Is directed due north. Directed due north. And magnitude of a bar is equal to 24. And magnitude of A bar is equal to 24. Then, that is question. And the vector V bar is directed due. Vector V bar is directed due west. You can have west and magnitude of V bar is equal to 25.7. The question kya pucha? Find magnitude of A bar plus V bar. So simple question aapke. Ek vector, the vector A bar is directed due north and magnitude is this one, the vector is the west. So ye nikal A bar kar diya. So let's figure out something. Jaise ki aapko bata raha hai. ये बार ऑब्वियसली ये है तुम्हारे पास सीरीज ऑफ नंबर ए बार प्लस बी बार ये निकालने का इनसाइट और जो ट्रायंगल दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी से ठीक है इसको हमको सब दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए बी बार इज इक्वल टू इसकी जो लेंथ है इसकी लेंथ क्या आ जाएगा ए बार वेक्टर ए बार ए बी बार इज नथिंग बट ए बार उसके बाद में ये जो बी सी बार इज नथिंग बट इज बी बार तो ऑटोमेटिकली ए सी बार क्या आ जाएगा ट्रायंगल ऑफ रेक्टैंगल के हिसाब से ए सी बार इज नथिंग बट और जो ए सी बार इज नथिंग बट ए बी बार प्लस बी सी बार है ना. ये वेक्टर बी बार वेस्ट डायरेक्शन में गया तो हमको निकालना पड़ेगा ए बार प्लस बी बार. देखो ट्राइंगल ऑफ एक्सटेंशन करते हैं ए बार ए बी बार तो हमको निकालेगा इनकी एडिशन मतलब क्या
इट इज नथिंग बट ए बार प्लस बी बार। इसका मैग्नीट्यूड निकालने का है, ये तो सबको मालूम है, एक में लेता मैग्नीट्यूड में, तो इसका हमको क्या निकालने का है, मैग्नीट्यूड ए बार प्लस बी बार। तो नाम दे दो ए बी सी। तो देखो इसको सबसे पहले क्या, तो ए बी बार यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए बी बार इज इक्वल टू ए बार, नाम दिया हमने ए बी बार इज इक्वल टू ए बार नॉर्थ डायरेक्शन में, और बी सी बार इज इक्वल टू वेक्टर बी बार वेस्ट के डायरेक्शन में। तो दे ट्रायंगल ऑफ एक्सटेंशन के हिसाब से ए सी बार इज नथिंग बट ए बी बार प्लस बी सी बार, है ना, ए सी बार इज नथिंग बट ए बी बार प्लस बी सी बार। तो ये ए सी बार का अपने कैसे वाला है, क्या क्या लीवर है, अपने भी वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मतलब ये इसकी लेंथ भी वही ए बी डी, तो इसको तुम कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार, मतलब ही मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, और इसका मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड क्या रहता है, लेंथ, लेंथ ऑफ ए बी ये आ गई 24। अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी बार तुमको ये वाला है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार मतलब ही क्या, लेंथ ऑफ बी सी, और ये तुम्हारे पास कितनी है 7। ओके सो व्हाट विल नाउ ऑप्शन हियर, अब तो क्या निकालने का है क्वेश्चन में, क्या तो सब कुछ क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, इधर बट राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो जैसे कि एंगल ए बी सी अगर से 90 डिग्री है तो हम क्या लगाएंगे, राइट एंगल का वो लगाएंगे यहाँ पे, है ना, तेरा। तो यहाँ पे सिंस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 90 डिग्री, ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो व्हाट वी कैन से दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल में लेंथ ऑफ ए सी का स्क्वायर इज नथिंग बट लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी सी स्क्वायर, लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी सी स्क्वायर। तुमको मालूम है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर, लेंथ ऑफ ए बी कितनी है 24, 24 का स्क्वायर मतलब 576, बी सी का स्क्वायर मतलब कितना 49, तो कितना मिला 625, 625 is nothing but give your length of AC square. We are need to find out only length of AC. So what you can say that here, therefore, length of AC will be equal to 625. 625 is the square root. It is nothing but square root of 5. So it is nothing but length of AC is equal to 5. Or length of AC. तुमको मालूम है वेक्टर AC बार इज नथिंग बट AB बार प्लस BC बार, सो वी कैन से दैट लेंथ ऑफ AC इज नथिंग बट इट इज योर लेंथ ऑफ AB बार प्लस लेंथ ऑफ AB प्लस BC, सो व्हाट वी कैन से दैट लेंथ ऑफ AB प्लस BC इज नथिंग बट 5। ओके तो लेंथ ऑफ ए बी मतलब इट इज नथिंग बट इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार प्लस मैग्नीट ऑफ बी सी बार इज नथिंग बट 5, तो सिंपली वी कैन से दैट मैग्नीट ऑफ ए बार प्लस मैग्नीट ऑफ बी बार इज इक्वल टू 5, सो योर आंसर वेरी सिंपल। सो इन दैट केस आई गेस ऑन में यस टेल मी नाउ, एक वेक्टर है ए बार इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ के डायरेक्शन में था उसका फिगर बताया, तो ए बी बार इज इक्वल टू ए बार, बी सी बार इज इक्वल टू बी बार, तो बाय यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एक्सटेंशन ए सी बार इज नथिंग बट ए बी बार प्लस बी सी बार। ओके फाइव हो गया, अरे 625 का 25 कर, फाइव हो गया, आपकी गाइस संकट आते हैं, वेरी ठीक। तो ए सी बार इज नथिंग बट ए बी बार प्लस बी सी बार, मैग्नीट ऑफ ए बी बार इज नथिंग बट मैग्नीट ऑफ ए बार, है ना, दी वाला तो मैग्नीट ऑफ ए बार मतलब मैग्नीट्यूड मतलब क्या, लेंथ, लेंथ ऑफ ए बी इज नथिंग बट 24, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी बार नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, लेंथ ऑफ बी सी नथिंग बट 7, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री, फिर मैं अभी बताया था मैं फिगर में, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, राइट एंगल करूँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी सी का स्क्वायर, तो इज नथिंग बट 576 प्लस 49 625, तो 625 का स्क्वायर मतलब लेंथ ऑफ ए सी इज नथिंग बट 25 इज देयर, length of AC, AC is nothing but AB plus BC, so length is nothing but it is your magnitude, magnitude of AB bar plus length of BC bar is nothing but 25, and as we know that AB bar is equal to how much, A bar, and BC bar is nothing but B bar, so finally we got here
magnitude of a bar plus magnitude of b bar is equal to 25 square. Yes. Now, is that clear? Tell me now. First, is that clear? Aa gaya sabke samajh mein? Jaldi. Yes. Okay. So we proceed to the further next question of that one. Very good. In the triangle PQR, PQ bar is equal to 2A bar, QR bar is equal to 2B bar, the midpoint of PR is M, find the following vectors in terms of A bar and B bar. First one, vector PR bar. Second one, PM bar. Third one is the numeric QM bar. Question exam simple है, पहले question को read करो। वो एक triangle है, और triangle में तुमको PQ bar दिया वाला है, और QR bar दिया वाला है। तो ये दोनों चीजें निकालेगा, और M क्या दिया वाला है, midpoint किसका, PR का। तो by using all the things we have to find this one. Very simple question आपसे, question number two. बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है तो सबसे पहले जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो तुम इजीली कर सकते हो वो देखेंगे फिर उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे वीडियो हटा कर आएगा इसी का होगा ओके तो देखो कोई सेम कंडीशन यहां पर बताएंगे अपन स्प्लिट ट्रायंगल है ट्रायंगल का नाम क्या है PQR क्वेश्चन में दिया हुआ है PQR, एक ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल में तुमको क्या क्या दिया वाला है, PQ इज इक्वल टू 2 बार, मतलब ये होगा PQ बार, फिर दिया वाला है QR बार इज इक्वल टू कितना 2B बार, है ना, ये तुम्हारे पास कितना दिया वाला है 2A बार, ये 2B बार, और द मिड पॉइंट ऑफ PR इज M, PR का मिड पॉइंट क्या है M, देन फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ A बार एंड B बार। तो पहले निकालेंगे PR बार, PR बार तुम इजीली निकाल सकते हो, फिर निकालेगा QM बार, QM बार निकाल सकते हो, फिर निकालेगा QM बार, ठीक है, वन बाय वन निकालेंगे, है ना, पहले निकालेंगे। फर्स्ट वन गिवन कैलकुलेशन, यहाँ पे तुमको दिया वाला है PQ बार मालूम है, 2A बार और QR बार मालूम है, 2B बार। You know here PQ bar is equal to 2A bar and QR bar is equal to how much? This is equal to 2B bar. So therefore, now PR bar अगर से निकालेगा है, तो PR bar, it is nothing but it is a triangle of vector addition के हिसाब से देखो direct PR bar तुमको मिलता PQ plus QR is nothing but it is a PR bar. Triangle of vector addition के हिसाब से PQ bar plus QR bar is nothing but PR bar. So triangle of vector addition के हिसाब से PR bar को अपन लिख सकते हैं. We can write here PR bar as a PQ bar plus QR bar. And so PQ bar कितना है तुम्हारे पास 2A bar. नीचे बताएंगे 2A bar और QR और कितना है 2B bar. इसमें 2 common निकालो A bar plus B bar. ये होगा पहला point. PM bar. So
पी एम आर को तुम्हारे पास देखेंगे, तो यम क्या है इसका मिड पॉइंट है, तो पी एम आर कैसे निकालेंगे, यस टेल मी नाउ, यम उसका मिड पॉइंट है, किसका मिड, पी आर का मिड पॉइंट एम है और हमको पी आर मालूम है। अब ये यम अगर से ये पी आर का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट क्या करेंगे, ये पी आर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बराबर, एक पार्ट मतलब क्या पी एम और एक मतलब क्या एम आर, तो इसमें हमको पी एम पूछा है तो ऑटोमेटिकली जो ये पी एम है, ये पी एम क्या है, ये पी आर का कैसा है आधा है, हाफ ऑफ पी आर, पी एम जो यम जो है ये दोनों का क्या है मिड पॉइंट है, किसका पी आर का कैसा है वो मिड पॉइंट है, ये जो यम पॉइंट है इट इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, इसका मतलब पी एम अगर से निकालने का है तो ये पूरी लेंथ का क्या रहेगा आधा, हाफ ऑफ पी आर, तो पी एम बार इज इक्वल टू इट इज इक्वल हाफ ऑफ पी आर बार, और पी आर बार अपन अभी निकालने वाला है, हाफ ऑफ पी आर बार कितना आया था, टू टाइम्स ए बार प्लस बी बार, वैसे करने से ये टू टू प्लस कैंसिल, फाइनल भी गॉट हियर पी एम बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी, ठीक है इसका क्लियर, पी एम बार आ गया। हम निकालेंगे लास्ट में क्यू एम बार, निकालने यहाँ पे देखिए नजर आता है, यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट इज क्यू एम बार, तो क्यू एम बार के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा क्यू को एम से, मतलब ये निकालेगा क्यू एम बार निकालेगा, ठीक है तो क्यू एम बार के लिए हम क्या करेंगे, क्यू एम बार इज अ कुपट, इसको भी एक ट्राइंगल तैयार हो गया, कौन सा ट्राइंगल तैयार होगा, ये क्यू एम बार इज नथिंग बट क्यू आर बार प्लस या आर एम बार, यहाँ पर ऐसा ट्राइंगल तैयार होगा, बट ट्राइंगल ऑफ कंडीशन के हिसाब से क्यू एम बार इज नथिंग बट क्यू आर बार प्लस आर एम बार, ठीक है क्यू आर बार प्लस आर एम बार, क्यू आर बार तुमको दिया हुआ है, क्यू आर बार कितना है टू बी बार, इसमें से हमको आर एम बार पता नहीं है, आरएम बार के प्लस पे आरएम बार एड दिस, तो पहले हम क्या करेंगे आरएम बार निकालेंगे, आरएम बार एड दिस, इसको इक्वेशन नंबर 1, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट हियर आरएम बार, तो आरएम बार अगर से तुम देखेंगे तो आरएम बार अभी तुमने देखे थे ये जो यम है मिड पॉइंट है, हां यम क्या है मिड पॉइंट है, तो आरएम बार क्या रहेगा ये पूरी लेंथ का क्या रहेगा आधा, आपको पी आर बार मालूम है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या रहेगा नेगेटिव साइन हाफ ऑफ माइनस पी आर है ना, तो ये माइनस को बाहर निकालो, माइनस हाफ हो गया, और पी आर बार तुमने निकालने वाला है, पी आर बार कितना निकालने वाला है टू टाइम्स ए बार प्लस बी बार, राइट है, तो ये तुम्हारे पास क्या मिला टू टाइम्स ए बार प्लस बी बार, तो ये टू से टू कैंसिल, लास्ट में कितना है तुम्हारे पास माइनस ए बार माइनस बी बार, ये क्या है तुम्हारे पास आर एम बार की वैल्यू, समझा देखो ये आर एम बार निकालेंगे आर एम बार सॉरी ये तो आर एम बार इज नथिंग बट इट इज अ हाफ ऑफ आर पी, आर पी क्या लेंगे आर, अगर अपने को पी आर मालूम है आर पी मालूम है पी आर मालूम है इसे डायरेक्शन चेंज है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आर पी बार के जरिए क्या आएगा माइनस पी आर बार, तो ये माइनस बाहर निकालो हाफ एज इट इज पी आर बार की वैल्यू इट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ पी आर बार टू टाइम्स ए बार प्लस बी बार, क्या करना अपने टू टाइम्स ए बार प्लस बी बार टू से टू कैंसिल माइनस माइनस से आपको मल्टीप्लाई करो माइनस ए बार माइनस बी बार, राइट गो पुट द वैल्यू ऑफ आरएम बार इन इक्वेशन नंबर 1, सो देयरफॉर 1 बिकम्स, सो व्हाट वी कैन से दिस से दैट इज देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, सो ए के हिसाब से क्या हो गया क्यू एम बार इक्वल टू टू बी बार प्लस आरएम बार इज नथिंग बट it is a minus a bar minus b bar, after solving we got here 2b bar minus a bar minus b bar, so we got here minus a bar 2b bar mein se 1b bar gaya to b bar, so finally we got here b bar minus, so is that clear, aaya sabke samajh mein, yes tell me fast,
जल्दी बोलो जरा, व्हाट हैपेंस नाउ? यस ओके वेरी गुड। और किसी को प्रॉब्लम? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे कुछ खास बात नहीं है। ओके वेरी गुड। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो सिंपली पहले बोलेंगे फिर उसके बाद में कई कई क्वेश्चन करेंगे। किसी को पूछना है इसको? पहले सिंपल क्वेश्चन पास किया तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे को क्वेश्चन नंबर कहाँ पूछा? देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा होता, मुझे थोड़ा लगे। देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या दिया आपने? इन द फिगर सेम क्वेश्चन क्वेश्चन अलग अंदाज से पूछ वाला है। इन द गिवन फिगर एक्सप्रेस सी बार एंड डी बार, सेम टाइप का क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ भी इन द गिवन फिगर आगे पीछे क्वेश्चन होंगे मगर पूरे क्वेश्चन नहीं है। अपन तो सेम टाइप का क्वेश्चन है पहले सी का, एक्सप्रेस सी बार एंड डी बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार, सी बार एंड डी बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार, इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे फिगर तुमको दिया हुआ है फेसबुक में, एक ट्रायंगल ए बी सी ने पी क्यू आर सर, ट्रायंगल पी क्यू आर इसमें ये वेक्टर ए बार, इसमें फिर एस एक पॉइंट दिया, एस मिड पॉइंट एक उसका क्वार्टर में एस मेंशन तो नहीं किया आपने, यस ए बार ए वेक्टर बी बार ए वेक्टर सी बार और ये डायरेक्शन अपोजिट है इसके वेक्टर के डायरेक्शन डी बार क्या, तो इसका अपोजिट मतलब माइनस डी बार नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तो क्या करने का हमको वेक्टर सी बार और वेक्टर डी बार को इन टर्म्स ऑफ ए बार और बी बार लिखने का है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने का है। वेक्टर सी बार और डी बार को क्या लिखने का? इन टर्म्स ऑफ ए बार और बी बार मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन, c बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार s n, b बार इज इक्वल टू a बार माइनस b बार या फिर s n इज बार। तो c बार कैन बी रिटन a बार b बार इन टर्म्स ऑफ a बार मतलब दोनों के बीच में प्लस है दोनों के बीच में माइनस, b बार इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ a बार और b बार मतलब a बार प्लस b बार या फिर a बार माइनस b बार माइनस a बार, तो भी प्लस माइनस दोनों के बीच में मगर a बार और b बार के फॉर्म में ऐसा आना चाहिए, ऐसा एक्सप्रेस कर देगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, जरूर दीवार है पहले जीरो को सबसे पहले पी क्यू बार, सॉरी पी क्यू बार पी क्यू बार की वैल्यू तुम निकाल सकते हैं, पढ़ लो पी क्यू बार ट्रायंगल ऑफ एडिशन पी एस बार प्लस एस क्यू बार है ना, पी क्यू बार ट्रायंगल ऑफ एडिशन के हिसाब से पी एस बार प्लस एस क्यू बार, पी एस बार प्लस एस क्यू बार देखो वहां पर कितना है पी क्यू, पी एस बार कितना है सी बार और एस क्यू बार कितना है डी बार, तो सी बार माइनस डी बार क्वेश्चन नंबर वन। और पी क्यू बार क्या करूंगा ए बार, तो पी क्यू बार ए बार कैन मेरे तुमने सी बार माइनस बी बार क्वेश्चन नंबर वन। नाउ अपन क्या सकते हैं पी आर बार ट्राइंगल ऑफ कंट्रेडिक्शन से, पी आर बार इज नथिंग बट पी एस बार प्लस एस आर बार, पी एस बार प्लस एस आर बार, तो पी आर बार पहले कितना है इज नथिंग बट पी बार, पी एस बार कितना है सी बार, एस आर बार कितना है प्लस का थ्री बार, इक्वेशन नंबर ट्राइंगल ऑफ एक्रेडिशन अप्लाई करें सबसे पहले इसमें ट्राइंगल ऑफ एक्रेडिशन किसमें ये दोनों वेक्टर्स में देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल में दो बार ट्राइंगल ऑफ एक्रेडिशन पहले ये ट्राइंगल में पी क्यू एस में पी क्यू बार इज नथिंग बट ट्राइंगल ऑफ एक्रेडिशन के हिसाब से पी एस बार प्लस एस क्यू बार, तो पी एस बार कितना है सी बार और एस क्यू बार माइनस डी बार, एस आर अगर से डी बार है तो एस क्यू क्या रहेगा निगेटिव माइनस डी बार, तो ये पी क्यू बार मतलब ए बार इज इक्वल टू सी बार माइनस डी बार आ गए।
अगेन ये ट्राइंगल ले दूं, पी एस आर पी एस बार प्लस एस आर बार इज इक्वल टू पी आर बार, पी आर बार की वैल्यू ये निकाल अब क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड करने से हमको क्या मिलेगा, अगर से दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो इसमें से माइनस का डी बार प्लस का डी बार कैंसिल, हमको किसकी वैल्यू मिलेगी सी बार की, तो ऑटोमेटिकली सी बार इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार, तो क्या करना पड़ेगा हमको एडिंग वन एंड टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू कॉमा वी गेट, ऐड करने से क्या मिलेगा, तो पहले एलएचएस की एडिशन ए बार प्लस बी बार ये होगा एलएचएस का एडिशन, उसके बाद में एडिशन करो सी बार माइनस डी बार प्लस डी बार प्लस डी बार, तो प्लस माइनस का डी बार प्लस का डी बार कैंसिल, सी बार प्लस सी बार टू सी बार इक्वल टू ए बार प्लस डी बार, तो हमको सी बार क्यों निकालने का, तो इसके मल्टीप्लीकेशन में कहाँ पे जाएगा इसके डिवीजन में, तो देयरफॉर सी बार इज इक्वल टू वन बाई टू टाइम्स ए बार प्लस डी बार, एंड सी बार इज इक्वल टू कितना वन बाई टू टाइम्स ए बार प्लस बी बार, मतलब ये वन बाई टू बांट के दीजिए तो सी बार कितना है 1 by 2 a bar plus 1 by 2 b bar. Automatically c bar is expressed. Therefore c bar is expressed in terms of a bar and b bar. C bar best expressed in terms of a bar and b bar. So c bar is equal to 1 by 2 times a bar plus 1 by 2 times b bar. अब इसमें तो c bar में तो expressed हो गया. अब हम क्या करेंगे? D bar में express करने के लिए क्या करेंगे? Simply substituting the value of इसकी value. C bar in equation number 2. सबसे पहले यहाँ से हम वन में रखो या टू में रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुमको इसको, तो यहाँ पे ठीक है दो में रखने यहाँ पर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ C, C की वैल्यू इसको रखने से तुमको क्या आएगा D की वैल्यू मिलेंगी, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन नंबर 2. तो में तुम रखेंगे तो तुमको क्या निकलेगा सबसे पहले सी में डी क्यू निकालो, देखो डी बार प्लस का डी बार है इज इक्वल टू इसको तो लेके जाओ बी बार माइनस सी बार हो गया, बी बार माइनस सी बार तो बी बार के लिए बी बार सी बार तुमने अभी निकाले व्हाट इज योर सी बार ए नथिंग बट 1 बाय 2 टाइम्स ए बार प्लस 1 बाय 2 टाइम्स बी बार, मल्टीप्लाई तो माइनस तो बन दो बी बार माइनस वन बाय टू ए बार माइनस वन बाय टू बी बार, बस इसके कैलकुलेशन है ना, आ जाएंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको सॉल्व करने का है, यस आ जाएगा क्या बताऊं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है तो और यहाँ पे तुम्हें सो क्या करो सबसे पहले बी बार कैलकुलेशन सिंपल जाना है इसलिए उसको तुम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार और दोनों का डिनोमिनेटर सेम मतलब कितना टू, कैलकुलेशन सिंपल जाने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, इसके रीजन में कुछ नहीं मतलब कितना है वन, क्यों नजर आ रहा है ठीक है इसको मैं यहाँ कंटिन्यू करेंगे अब हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे क्यों नजर आ रहा है यस, तो व्हाट वी कैन से दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से टू बी बार माइनस से ओपन करो माइनस का ए बार माइनस का बी बार डिवाइड बाई टू, तो टू बी बार में से एक बी बार गया तो कितना गया बी बार माइनस ए बार डिवाइड बाई टू ये होकर डी बार, तो डी बार इज नथिंग बट हाफ ऑफ बी बार माइनस हाफ ऑफ ए बार, तो ये होगा विक्टर डी बार और ये विक्टर सी बार, और क्वेश्चन में क्या पूछा था फिगर के हिसाब से विक्टर सी बार और विक्टर डी बार को एक्सप्रेस करो इसके हिसाब से ए बार और बी बार के हिसाब से एक्सप्रेस करो, हमने कर लिया सी बार को ए बार और बी बार के हिसाब से ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो ये वन बाई टू दोनों को बांट के दिया अपन ने और ये वैल्यू अपन ने इक्वेशन नंबर टू में रखने से किसकी वैल्यू मिली अपने को डी बार की वैल्यू, तो डी बार कितना आ गया बस अगेन ए और बी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, ठीक है या फिर तुम इसकी जो वैल्यू है टू में दे जाइए वन में रख सकते तुम्हारे दिल पे, तो वन में रखने से क्या होगा देखो अगर ये वैल्यू हमने सी की वन में रख दिया तो भी चलेगा, यहाँ पे भी तुमको डी है सबसे पहले माइनस का डी उधर चला गया प्लस का डी बार हो गया, यहाँ पे क्या बचा तुम्हारे पास ए बार प्लस सी बार राइट है, माइनस का डी बार उधर गया तो सी बार माइनस ए बार ऐसा हो जाएगा, ठीक
बार और ये माइनस ए, तो बोलो सी बार कितना है, सी बार इक्वल ही है 1/2 टाइम्स ए बार प्लस बी बार माइनस ए बार। अगेन वही सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको ऐसे भी चल सकता, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो कितना मिला 2a बार। ठीक है, सबसे पहले ए बार प्लस बी बार इंटू 1 माइनस 2a बार डिवाइड बाई, वही कंसेप्ट यहाँ पे देखो अभी इट इज इक्वल टू ए बार में से 2a बार गया तो माइनस का ए बार प्लस बी बार डिवाइड बाई कितना, तो इसको तुम लिख सकते हैं बी बार माइनस ए बार डिवाइड बाई 2, वही आंसर आने वाला है। तो दो दोनों की डिवीजन में 1/2 टाइम्स बी बार माइनस 1/2 ए बार, तो ऐसे ही हो सकता। सी बार की निकालने के बाद एक तो तुम 1 में रखो या फिर 2 में रखो, तुमको किस वैल्यू मिलेंगी बी बार। नाउ टेल मी क्लियर, यस इज दैट क्लियर? ओके वेरी गुड। अच्छा विचार है सर, किसी को पूछना है इसमें क्वेश्चन? यस इज दैट एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दैट वन? वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, वीडियो आपको नहीं आएगा? यस वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है क्या, थोड़ा अटक के आ गया? क्वालिटी में प्रॉब्लम है सर, आदलो ये नहीं कबरो तो ये क्वालिटी कमेंट दिसाइली सर थोड़ा, तो पेंट दिसाइलेगा कारण वो खराब नहीं लगता। नेटवर्क पर आपको ज्यादा नेटवर्क चांगला असेल त्यावेळेस थोडं चांगला दिसतो, नेटवर्क चांगला नसेल की असं मग काहीतरी होत होते, ऑफलाईन थ्रू झाले की याचे टेन्शन नसतात। समजायला का पण तुम्हाला व्यवस्थित ते महत्वाचं आहे, ते सांगा मला शुभम, समजायला का व्यवस्थित? येस हो सर। ठीक आहे, मग क्वालिटीला काय त्याच्यामध्ये आता आपल्या हातात नाही, तो काय त्याला काय करावा सगळं जर केलं आपण त्याच्यामध्ये, आता नेटवर्कला आपण काय करते, कारण त्याच्यामध्ये नेटवर्क नसतं जे आहे। बघू आता नेक्स्ट ऑप्शन, now the next question is something like to deal. Question number 5, take me simple and the factor. Check whether the vectors, quick or time like that, from the new question number 7, find a vector, super simple question, the direction of a bar, find the vector, find a vector, the direction of a bar, is equal to I minus 2j, that has magnitude 7, is equal to I minus 2j, that has magnitude, is the magnitude, that has magnitude 7 units. क्या क्वेश्चन पूछा, वेक्टर ऑफ, फाइंड द वेक्टर द डायरेक्ट